जय माता दी मित्रों, मित्र माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं आज हम मित्रों। ये एक 34 वर्षीय पुरुष जातक की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 अक्टूबर 1986 है। बर्थ का टाइम 6:50 PM है और बर्थ प्लेस मोरवी गुजरात का है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। देखिए इनके लगन में जो है यहाँ पर जो है एक नंबर लिखा हुआ है। एक नंबर का मतलब मेष राशि, अर्थात ये मेष लगन की कुंडली है। तो मेष लगन के जो आपके जो स्वामी हैं ये मंगल ग्रह होते हैं, लग्नेश यहाँ पे मंगल ग्रह होते हैं, अर्थात ये व्यक्ति जो है मंगल से प्रभावित रहेंगे और मंगल का जो स्वभाव होगे वो सब इनके जो है व्यक्तित्व में जो है आ जाएंगे जो है। तो ये व्यक्ति जो है क्योंकि मंगल के कारण ये व्यक्ति जो है काफ़ी पराक्रमी होंगे और साथ साथ जो है मंगल का जो स्वभाव होता है इनके कारण जो है ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव हो जाएंगे, धैर्य की इनके अंदर कमी हो जाएगी। मंगल के कारण इन व्यक्तियों के अंदर एक ऊर्जा का लेवल जो है बहुत अच्छा माना जाता है, ऊर्जावान होंगे और इनके अंदर जो क्रोध होगा वो जल्दी आ जाने वाला ऐसी स्थिति। और साथ साथ ये व्यक्ति जो है सामने वाले बंदे को जो है मतलब जो है उसे रिवेंज की तक की भावना जो है बदले तक की भावना, अगर इन व्यक्ति को कोई किसी पर क्रोध आ जाए तो ये उसे या इनको कोई गलत कह दे तो इन व्यक्तियों के अंदर जो है बदले तक की भावना जो है आ जाती है। तो ये कुछ हमने यहाँ पे इनके लगन से संबंधित जो है ये इनके बताए हैं। तो ये इनका जो स्वभाव है ये सब इनके जीवन में जो होगा ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है इनके जन्म नक्षत्र की। अगर हम बात करें देखिए इनका जो जन्म का जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और इसका जो चरण है वो 4 है और ये जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। तो अब देखिए होता क्या है कि आपका जो जन्म का नक्षत्र होता है वो चंद्र नक्षत्र होता है क्योंकि चंद्र नक्षत्र से डिसाइड होता है कि आप किस महादशा में पैदा हुए। तो हम वैसे तो सारे के नक्षत्र सभी नक्षत्र जो ग्रह जो हैं जन्म के समय किसी ना किसी नक्षत्र में होते हैं लेकिन जो चंद्र का नक्षत्र होता है हम उसी को ही मानते हैं कि वो आपका एक पर्टिकुलर ऐसा नक्षत्र होता है जिसके थ्रू आपको आपके गण वगैरह के आपके कौन से गण के हो और आपके योनि वगैरह ये सब जो चीजें हैं ये सब आपको पता लग जाता है, साथ साथ महादशा का पता लग जाता है और उनका प्रभाव जो है आपके जीवन में बहुत अधिक पड़ता है। तो ये चंद्र का नक्षत्र है। अब यहां पर क्या होगा देखिए ये उत्तराभाद्र नक्षत्र में पैदा होने के कारण अब देखिए यहां पर होगा क्या, ये शनिदेव आपको यहां पर जो है मैच्योर बना देंगे। ये व्यक्ति जो है काफी मैच्योर टाइप के हो जाते हैं और एक अच्छे सलाहकार होते हैं क्योंकि ये देखिए ये तो आपका जो नक्षत्र है क्योंकि जो आपकी राशि है जो चंद्र होता है देखिए चंद्र जो है अब मीन राशि में है और मीन राशि के अंदर जो नक्षत्र है वो उत्तरा भाद्रपद है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है गुरु से प्रभावित व्यक्ति है। तो व्यक्ति जो ज्ञानवान क्योंकि वैसे भी गुरु की दृष्टि के ज्ञान पर पड़ रही है वो भी हम डिस्कस जो है आगे करने वाले हैं और यहाँ पर व्यक्ति के पास जो है एक विशेष ज्ञान भी होता है, ज्ञानवान होता है व्यक्ति जो है। और व्यक्ति देखिए गुरु के कारण ही क्योंकि गुरु की राशि मीन राशि में है तो व्यक्ति एक अच्छे उच्च कोटि का जो है सलाहकार भी होता है, अच्छी सलाह दे सकता है सामने वाले बंदे को। अब यहाँ पर देखिए समाज में व्यक्ति जो है जागरूकता लाने वाले होते हैं और साथ साथ ये क्या है एक मास लेवल पर एक बड़े लेवल पर जो है व्यक्ति जो है काम करते हैं, साथ ही जैसे कि जागरूकता लाने का काम हो जाता है या फिर किसी व्यक्ति के जो है हीलिंग करने का काम जो है समाज को जो है हीलिंग करने का काम जो है अर्थात दूसरों के दुखों को जो है अपनी बातों से अपने कर्मों से जो है उनके दुखों को जो है कम कर देना उनके उनको शांत कर देना ये सब स्थिति जो है इनके साथ जो है होती है। देखिए जन्म के नक्षत्र से जो है सभी बातें जो है 50-60% जो है रिजल्ट इससे हम जो है मान लेते हैं कि काफी हद तक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है इसमें मतलब कुछ बहुत सारी बातें जो है व्यवहारिक जो बातें हैं वो दिखने लगती है। सभी बातें नहीं दिख पाती क्योंकि ग्रह दशा जो है ये ग्रह दशा महादशा वगैरह ये सब जो है ये भी जो है डिपेंड करती है आपकी। अब देखिए यहाँ पर इनके कुंडली में जो है हमने लग्न भी डिस्कस किया, नक्षत्र और राशि भी आपकी मीन राशि है, गुरु की राशि है आपकी। अब देखिए इनकी कुंडली में जो लग्नेश है, लग्नेश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी कुंडली में जो है और लग्नेश जो है 10th हाउस में जाकर बैठ रहे हैं और लग्नेश का देखिए कर्म भाव में जाकर बैठना क्योंकि लग्नेश जिस भाव में जाकर बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब ये भाव जो है यहाँ पे शासन प्रशासन से भी संबंध आता है और देखिए मंगल जो है 10th हाउस में जाकर ये एक तो मंगल जो है कर्म स्थान में यहाँ पे दिग्बली भी होते हैं साथ साथ ये मंगल जो है 10th नंबर मतलब मकर राशि में जाकर ये शनिदेव की मकर राशि जो है उसमें जाकर क्योंकि मंगल जो होते हैं उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होने की वजह डिग्री वाइज जो है देखिए लग्न का भी डिग्री 9 डिग्री 22 मिनट है और यहां पर जो डिग्री है वो आपका 10 डिग्री 34 मिनट मतलब 50% रिजल्ट जो है मतलब एक होता है ना रिजल्ट आपका क्योंकि बलवान में जो है ये 50% रिजल्ट देने वाले जो है होंगे आपके जो है। और अब यहां पर बैठकर ये आपको जो है भूमि भवन वाहन का भी सुख जो है क्योंकि यहां पर बैठकर जो है केंद्र पर बैठकर मंगल जो है अपनी उच्च राशि में बैठकर जो है यहां पर एक रोचक नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। इनकी कुंडली में 2 पंच महापुरुष योग है, एक तो आपका जो है रोचक योग भी है और साथ साथ मालवीय नाम का जो है पंच महापुरुष राज्य
राजयोग भी इनकी कुंडली में है। अब हम बात करते हैं, देखिए कुंडली में जो लग्न होता है वो और आपके जो चंद्र होता है, क्योंकि चंद्र आपका मन होता है, सूर्य आत्मा होती है और लग्न आपका संपूर्ण व्यक्तित्व बताता है जो है। अब यहाँ पर एक पाप ग्रहों की दृष्टि का पढ़ना या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि का पढ़ना ये व्यक्ति को जो है, व्यक्ति के जो आपका जो जीवन है उसमें बहुत सारी बातों को बता देता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे होंगे, व्यक्ति क्या सोचता होगा, क्या करता होगा। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो व्यक्ति का जीवन में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर जो पाप ग्रहों की दृष्टि है तो वहां पर व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा वगैरह, मानसिक अशांति, ये सब स्थिति लेकर आ जाते हैं। आप देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न पर जो है, लग्न भी मेष लग्न हो गया और उसका दृष्टि भी मंगल की दृष्टि जो है, चौथी दृष्टि 1 2 3 4 देखिए यहां से चौथी दृष्टि इनके लग्न पर पड़ रही है। देखिए लग्न पर चौथी दृष्टि का पड़ना वही सब जो स्वभाव है इनका उनमें और वृद्धि करने वाले हैं, क्योंकि पहले ही मेष लग्न और ऊपर से मंगल की भी दृष्टि पड़ जाती है, क्योंकि दृष्टि जो है ज्यादा डिपेंड कर जाती है व्यक्ति के उसमें जीवन में जो है। अब यहां पर मंगल के वही सारे स्वभाव जो है, चिड़चिड़ापन, जिद्दी स्वभाव या फिर धैर्य के पेशेंस कम हो जाना और ये सारे जो है स्वभाव, या पराक्रम की वृद्धि, पराक्रम और पराक्रम जो है, श्रेष्ठ पराक्रम जो है व्यक्ति को महान बना देता है, व्यक्ति अपने कार्य में डटा रहता है, कितनी भी विकट परिस्थितियां है उसमें अपने आप को संभाले रखता है, अपने आप को मजबूत बनाए रखता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें इनकी नेगेटिव भी है वो भी हम आपके डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इसमें। और देखिए मंगल की दृष्टि ये सब चीजें कर देंगी, व्यक्ति को ऊर्जावान बना देती है, स्ट्रेंथ व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पर जैसे शनिदेव की अगर हम बात करेंगे तो शनिदेव क्योंकि अष्टम भाव में, वो हम अभी बात करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए क्योंकि दीर्घकालिक रोग देते भी हैं और उसकी भी हम बात करेंगे जो है, लेकिन स्ट्रेंथ मजबूत होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी चीजों में जो है आपको फायदा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चलिए अब यहाँ पर हम बताते हैं मंगल की दृष्टि लगन पर है और बुध की भी दृष्टि लगन पर है, शुक्र की भी दृष्टि लगन पर है। देखिए बुध जैसे ग्रह की दृष्टि लगन पर होना वो वहाँ पे बुध के गुण आ जाएंगे। वैसे भी लग्नेश जब 10th हाउस में जाता है तो व्यक्ति जो है एक अच्छा व्यापार, अपने बल पर एक व्यापार जो है खड़ा कर देता है, और साथ साथ जो है बुध की दृष्टि का लगन पर पड़ना। देखिए बुध क्या है, बुध आपके कुंडली में, बुध जो होते हैं ग्रहों में राजकुमार भी है, साथ साथ बुध जो है आपके कम्युनिकेशन के कारक और साथ साथ जो है व्यापार के भी कारक हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों का भी बढ़ोतरी हो जाएगी। और साथ साथ देखिए बुध की दृष्टि लगन पर पड़ना तो ये व्यक्ति का जो स्वभाव है उसके अंदर जो एक राजकुमार जैसी चाह उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति जो है कुछ ऐसा चाहता है, मतलब जो चीज़ सामने वाले को बस देख लेता है या फिर किसी भी इस तरीके की चीज़ें जो देख लेता है वो उसको पसंद आती है, उसमें चाह रखता है। लेकिन बुध की दृष्टि का जब लगन पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन को एक भटकाव भी आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो मन है वो एक कार्य में निरंतर ना लगा रहकर ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर देता है, क्योंकि यहाँ पे बाल स्वभाव आ जाता है और बच्चों का स्वभाव होता है नए नए खिलौनों को खेलना, ऐसी वाली स्थिति, तो नए नए काम को, काम में रुचि लेना, अलग अलग काम में रुचि लेना, या फिर आप ये भी कह सकते हो मल्टीपल वर्क में रुचि लेना, ये सब व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। और व्यक्ति जो है यहाँ पर क्योंकि गणितज्ञ, विशेष गणितज्ञ, मतलब अच्छी स्थिति जो है व्यक्ति के अंदर जो है यहाँ पे होती है, क्योंकि बुध की दृष्टि का लग्न पर पड़ना ये शुभ ग्रह है तो अच्छा माना जाता है, और व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा जिद्दीपन भी आ जाएगा, जिद्दीपन मंगल के कारण भी है, बुध के कारण। अब बुध वाला व्यक्ति जो है बदला नहीं लेगा, लेकिन मंगल के कारण व्यक्ति जो है बदला भी लेता है, अगर सामने वाले बंदे से जो है कुछ ऐसी बात हो जाए तो वहां पे बदले तक की भावना व्यक्ति लेता है। अब देखिए यहां पर कुंडली में जो है हम बात करते हैं शुक्र की दृष्टि, देखिए शुक्र जो है ग्रह, अब ये शुक्र है वो आपके जो है यहां पर दैत्य के गुरु होते हैं, गुरु ही होते हैं शुक्र भी। अब शुक्र की दृष्टि का लग्न पर पड़ना, शुक्र जो है सेक्स के कारक होते हैं, शुक्र जो है आपके भोग विलास, ऐश्वर्य, आपकी लग्जरी वगैरह, इन सब चीजों, भौतिक चीजों के कारण, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जब जीवन लगन पर, व्यक्तित्व पर शुक्र जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति जो है उसके भौतिक इच्छाएं जो है उसके साथ इस प्रकार से जुड़ जाती है कि व्यक्ति जो है बहुत प्रयत्न करता है और प्रयत्न करके वो पा भी लेता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है लग्जरी लाइफ जीने के प्रयत्न करता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा जाएगा, वो व्यक्ति चाहे कम भी हो लेकिन वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है अपने आप को, क्योंकि मालवीय योग वैसे ही बन रहा है, मालवीय योग बनने के कारण व्यक्ति का रुझान जो होगा वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों में, जैसे आपकी सिंगिंग वगैरह जो होगी, आपकी फिल्म इंडस्ट्री वगैरह, नाटक वगैरह जो है इस तरीके की, स्पोर्ट्स मतलब जो सॉरी ये जो नाटक वगैरह जो होते हैं, नृत्य वगैरह जो होते हैं, ये सब चीजें जो हैं जो कला का क्षेत्र है उनमें व्यक्ति की विशेष रुचि बढ़ जाती है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, देखिए यहां पर बैठकर जो शुक्र जो है वो व्यक्ति को जो है, और ऐसा व्यक्ति जो है साथ साथ अपने सजने सवरने में, मैंने बताया ना, मेंटेन करके रखते हैं अपने आप को, सजने सवरने में ध्यान रखते हैं, और साथ साथ शुक्र की दृष्टि का लगन पर पड़ना व्यक्ति अपने आप को निहारता भी बहुत है, अपने आप को शीशे में देखेगा मतलब इस तरीके से निहारता बहुत है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ आ जाती है, और साथ साथ इनकी आंखों में भी एक चमक होती है बढ़िया, मतलब एक अच्छी चमक होती है जो है, इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ होती है। और साथ साथ व्यक्ति जो है यहाँ पर बैठे शुक्र की दृष्टि जब लगन पर पड़ती है, व्यक्ति साम दाम दंड भेद, और वैसे भी बुध भी है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर अपना काम निकालने के लिए सारी नीतियों का भी पालन करें तो वैसे भी शुक्र जो है दैत्यों के गुरु है, तो वहां पर व्यक्ति एक नियम कायदे नहीं, मतलब एक तरीके से जो है साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाकर अपने काम को निकालने वाला, और साथ साथ छल भी करेगा, और इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ जो है आ जाती है। देखिए प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती है, देखिए शुक्र जैसा ग्रह जब यहाँ पर बैठता है आपके सप्तम भाव में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है चाहे उसकी मतलब जो है पत्नी जो है ये नेगेटिव बात है लेकिन
बतानी तो पड़ती ही है कि चाहे उसकी पत्नी जो है कितनी भी सुंदर ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का जो है बाहर जो है मतलब जो है जाना रहता है, ऐसा जो है देखा जाता है, क्योंकि भोग विलासिता व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है। और शुक्र की दृष्टि लगन पर भी है, और शुक्र जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में बैठकर, जो है ये व्यक्ति के जो है इसी कारण जो है, और वैसे भी राहु भी यहाँ पे 12th हाउस में ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो है आपके बेडरूम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, और यहाँ पे बैठे शुक्र भी प्रॉब्लम यही वाली बात को इंडिकेट करते हैं, तो व्यक्ति का जो चरित्र से व्यक्ति को जो है कमजोर भी बना देते हैं, तो ये जो है आपके वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करता है। उसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके कुंडली में जो ये पराक्रम भाव का स्वामी और आपकी कुंडली में जो ये आपके षष्ठम भाव का स्वामी जो है, क्योंकि ये भाव रोग रिपु ऋण झगड़े वगैरह से संबंधित भाव होता है, मुकदमेबाजी से भाव होता है, आप इन दोनों भाव के जो स्वामी हैं वो सप्तम भाव में बैठ जाते हैं। देखिए पराक्रम का संबंध अगर व्यापार से हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन पराक्रम जो है अगर आपका पराक्रम जो है आपके दाम्पत्य में आ गया तो दाम्पत्य में पराक्रम का क्या कारण फायदा होगा, वहां पर तो एक प्रेम होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, लेकिन वहां पर भी पराक्रम आ रहा है, तो वहां पर ये जो समस्या जो है ये आपके जो है दाम्पत्य से जुड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए सूर्य की क्योंकि चंद्र की भी बात करते हैं हमेशा जो है, अभी हमने लग्न पे बताई कि लग्न पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है, अब हम बात करते हैं सूर्य की दृष्टि जो है चंद्र पर है आपके जो है। देखिए इस कुंडली में प्रॉब्लमेटिक ये भी है कि तो यहाँ पर जो है एक काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, लेकिन काल सर्प दोष में एक्चुअली ये जो है केतुमुखी है, केतु से स्टार्ट हो रहा है काल सर्प दोष, तो वहाँ पर एक तो रिजल्ट कम हो जाते हैं, मतलब उसका जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो कम कर देता है, लेकिन करता तो करता ही है साथ साथ, वैसे तो ये इस भी कारण से भंग भी कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो है दो ग्रह जो है आपके शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह जो है ये अपनी जो है एक स्वग्रही राशि में शुक्र जो है और साथ साथ मंगल अपनी उच्च राशि में, तो ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है मतलब भंग हो जाता है, लेकिन भंग तो नहीं होगा, ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा, लेकिन हाँ उसका लेवल कम हो सकता है, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ, देखिए सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है और क्योंकि केतु के साथ बैठा हुआ है, साथ साथ राहु, क्योंकि राहु और केतु के साथ जो ग्रहण मतलब ग्रह बैठ जाते हैं उनको ग्रहण लग जाता है, और राहु और चंद्र के साथ बैठ के चंद्र को भी ग्रहण है, और साथ साथ राहु और चंद्र बैठ कर तो एक मानसिक ऐसी मानसिक स्थिति बना देते हैं, मतलब व्यक्ति को जो है बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा टेंशन एंजाइटी इन्होंने बताई भी है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं मानसिक रूप से जो है, इतना मानसिक तनाव होता है व्यक्ति के साथ, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन अब जो ये बातें हमने आपको बता दी, ये आपको डराने के लिए नहीं बताई है, इन बातों का सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा कि किस हद तक आप जो है इनका सॉल्यूशन पा सकते हैं। वैसे भी इनकी जो है मैंने पाम, क्योंकि मैं पाम से भी क्रॉस चेक कर लेता हूं, तो यहां पर क्या होगा इनके पाम में भी जो है राहु रेखाएं बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्योंकि हर एक राहु रेखा का पीरियड बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है, और इतनी राहु रेखा है तो काफी हद तक जो है काफी मतलब लाइफ 40 साल तक तो मुझे जो है काफी स्ट्रगल वाला जीवन जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु रेखाओं ने पीछा ही नहीं छोड़ा, उसके बाद जो है आपको धीरे धीरे आराम भी लगने लगेगा, वो मैं आपको आगे बता भी दूंगा जो है। आप देखिए यहां पर हमने बताया कि सूर्य की दृष्टि जो है आपके चंद्र पर, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो है चंद्र आपका मन है वहां पर भी सूर्य जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति के जो है मन में भी एक क्रोध, क्योंकि सूर्य के कारण भी क्रोध आता है और मंगल के कारण लगन पर पड़ने के कारण मंगल के कारण भी क्रोध आता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर जो है उग्रता आ जाएगी, और साथ साथ सूर्य की दृष्टि का चंद्र पड़ना, क्योंकि चंद्र मन व्यक्ति को स्वतंत्र बना देता है, व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होता है, स्वतंत्रता से परिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, और साथ साथ व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी और साथ साथ जो मैं कहूं उसको सब माने ऐसी वाली स्थिति, ये बुध के कारण भी आ जाती है जो है, क्योंकि बुध राजकुमार बच्चों का स्वभाव होता है, अगर मैं जो भी हमने कहा उसको सम्मान ले, उसका जिद्दी स्वभाव हो जाता है, ये सब आ जाता है। तो यहां पर सूर्य की दृष्टि भी आपके चंद्र पर पड़ रही है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर लग्जरियस या राजकुमार या राजसिक व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। क्यों कहा मैंने राजसिक प्रवृत्ति, क्योंकि सूर्य भी राजा है और उनकी दृष्टि भी चंद्र पर पड़ रही है, और बुध राजकुमार है उनकी भी दृष्टि लगन पर पड़ रही है, और जो शुक्र है वो भी आपके जो है इन्हीं भोग विलास और राजसिक सुखों के कारक हैं, और यहां पर उनकी दृष्टि भी व्यक्ति के लगन पर पड़ रही है, और इन स्थिति में यह भी हो जाता है व्यक्ति को कुछ जो मिलता भी है उसमें भी व्यक्ति असंतोष महसूस करता है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ हो जाती है। अब यहां पर हमने देखिए मालवीय योग और रुचक योग आपको बताया है कि मालवीय योग का प्रभाव जो है और रुचक योग का प्रभाव, देखिए रुचक योग व्यक्ति को जो है एक अच्छा भूमि भवन वाहन इस तरीके का सुख दे सकता है। अब होगा क्या, एक तो इनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी बनी है, क्योंकि इनका जन्म जो है शनि की महादशा में, वो अब जो शनि है इस कुंडली के लिए जो है एक समग्रह का कार्य करने वाले हैं, और शनि के बाद जो है फिर बुध की महादशा, बुध इनकी कुंडली में देखिए मारक ग्रह हो गए जो है, क्योंकि ये आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और थर्ड हाउस के और आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं, और यहां पर क्या हो गए ये मारक हो गए, और बुध के बाद जो है आपकी कुंडली में फिर
केतु की मादा शादा चालू होती है, केतु यहाँ पर है और केतु के बाद जो है फिर शुक्र की। आप देखिए शुक्र जो है इस समय आपके सप्तम भाव और आपके दूसरे भाव, ये भी दोनों मारक भाव ही माने जाते हैं, क्योंकि हमने बता रखा है कि आठवें से बारहवां भाव और आपका जो है सातवें से आठवां भाव, ये भी क्या होते हैं, मारक भाव होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इनकी कुंडली में जब जैसे ही शुक्र की मादशा चालू हुई, उसके एक दो साल के अंदर अंदर में इनका एक बिजनेस शुरू हो गया, क्योंकि ये दो भाव किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भाव रिप्रेजेंट करते हैं, ये व्यापार का भाव है, तो कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित इनकी बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चल रही है कि इनका काम नहीं चल पाता। वो क्या समस्या है, देखिए उससे संबंधित समस्या को मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। देखिए शनिदेव जो है, अब इस कुंडली में जो शनिदेव की दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि जो है इनके कर्म भाव पर पड़ रही है और शनिदेव की सातवीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि को जो है अशुभ, मतलब जो है क्योंकि शनिदेव की जहाँ दृष्टि पड़ जाती है उस भाव से संबंधित समस्याएं बनाते ही बनाते हैं। अब शनिदेव की दृष्टि का कर्म भाव पर पड़ना, वैसे तो इनकी कुंडली में जो है कर्मेश और आपका जो अष्टमेश है उनका परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति जो है देखिए परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इनकी दृष्टि का पड़ना व्यक्ति के जो है कार्य में बाधा उत्पन्न कर देती है, कर्म क्षेत्र में बहुत बाधाएं आती है, किसी भी तरीके से जो है बहुत ज़्यादा बाधा व्यक्ति जो है महसूस करता है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बना देते हैं, क्योंकि शनिदेव की फिर सातवीं दृष्टि धन भाव पर भी पड़ती है, तो धन व्यक्ति का संचित नहीं हो पाता, धन एकत्र नहीं हो पाता, इकट्ठा व्यक्ति नहीं कर पाता। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देता हूं कि आपका धन एकत्र हो ना हो, लेकिन आप जो है लाइफ, अगर मैं बात करूं क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि है और साथ साथ मैंने और भी चीजें देखी हैं, तो यहां कहीं ना कहीं लग्जरियस जो है, लग्जरी जो है जीवन में रहेगी, कि ये नहीं कि व्यक्ति धन भी नहीं एकत्र कर रहा तो लग्जरी आप व्यक्ति लग्जरी लाइफ जो है व्यक्ति जिएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन व्यक्ति की जो शनि की दृष्टि जब यहां पर पड़ेगी तो कर्म भाव से संबंधित जो है समस्या उत्पन्न कर देगा, व्यक्ति को जो है यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सातवीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है और दसवीं दृष्टि जो है कुंडली में इनकी यहां पर पड़ रही है इनके पंचम भाव में, क्योंकि शनि की दृष्टि का पंचम भाव में पड़ना व्यक्ति को जो है यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट करता है, एक तो संतान से संबंधित समस्या, और यहाँ पर देखिए शनि की भी दृष्टि पड़ रही है संतान भाव पर और मंगल की भी आठवीं दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी व्यक्ति के साथ जो है ये जो है संतान से संबंधित समस्या। और देखिए मंगल जो है यहाँ पर बैठ के सातवीं दृष्टि जब यहाँ पर इनकी कुंडली में जो इनके चतुर्थ भाव पर डालते हैं, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये माता से संबंधित जो है समस्या भी उत्पन्न करेंगे, माता के स्वास्थ्य में भी कमी लेकर आएंगे। और साथ साथ देखिए ये व्यक्ति की वैसे भी मंगल की जो है ये नीच दृष्टि है, ये चतुर्थ भाव पर ये ग्रह पर इन पर जो पड़ रही है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और साथ साथ देखिए चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो भी कहाँ चला गया, वो भी कुंडली में ट्वेल्थ हाउस में चला गया, बारहवें भाव में चला गया। चतुर्थ भाव के स्वामी का बारहवें भाव में, क्योंकि चतुर्थ भाव स्वयं आपका घर है और वो कहाँ जा रहा है, वो एक ट्वेल्थ हाउस में बाहर सेटल हो रहा है, इस तरीके से अकेलापन उधर की तरफ जा रहा है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि घर में जो व्यक्ति हैं वो भी अकेले जीते हों, इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ आ जाती है। अगर घर में दो बंदे हैं दो भी अकेले अकेले जी रहे हैं, या चार बंदे हैं वो भी अकेले अकेले जी रहे हैं, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाते हैं। और फिर उसके साथ आपने देखा कि चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो ट्वेल्थ हाउस में तो जा रहा है और वो भी किसके साथ बैठ गया, वो भी जाकर बैठ गया राहु के साथ, ग्रहण लग गया उसको भी जो है, तो यहां पर घर से संबंधित ग्रहण लग जाता है व्यक्ति के जीवन में। और चंद्र क्या है, आपका मन है, आपकी माता है, तो माता के समक्ष भी एक ग्रहण क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे आपके संबंध भी हो सकते हैं खराब हो, और या फिर जो है संबंध ना भी हो तो लेकिन जो है उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो है एक विशेष समस्या जो है उत्पन्न कर देते हैं, उनके मन से उनके भी मन से संबंधित समस्या जो है उत्पन्न कर देंगे, तो ये सारी समस्या व्यक्ति को यहां पर शो हो रही है। अब यहां पर देखिए, अभी हमने जो है वैवाहिक जीवन से संबंधित बात करी कि यहाँ पर आपको बताया कि ये भाई शुक्र बैठा ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और साथ साथ जो आपका षष्ठेश जो है आपके सप्तम भाव में बैठकर जो है, क्योंकि ये झगड़ा वगैरह का भाव होता है और यहाँ पर बैठकर जो है ये प्रॉब्लम ला देता है, और साथ साथ राहु ट्वेल्थ हाउस में बैठकर बेडरूम में प्रॉब्लम, और राहु जो है यहाँ पर बैठकर जो है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शुक्र जो है यहाँ पर व्यक्ति के जो है मैंने आपको बताया कि आपके चरित्र से व्यक्ति को कमजोर कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति का जो मैरिड लाइफ से में प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। अब होता क्या है, देखिए गुरु की दृष्टि जो है सातवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, पंचम भाव में पड़ रही है, तो आपको अगर संतान से संबंधित भी अगर समस्या हुई है तो हो सकता है वो भविष्य में आपको जो है उसमें से भी निजात मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि का पड़ना संतान भाव पर तो संतान चाहे लेट से हो लेकिन संतान हो जाएगी। और साथ साथ नौवीं दृष्टि का जो है सप्तम भाव पर पड़ना, तो ये भी जो है ये चाहे मतभेद हो व्यक्ति के जीवन में जो है वैवाहिक जीवन में, लेकिन उनको जो है मैरिड लाइफ जो है बनाए रखते हैं, ऐसा व्यक्ति के साथ कार्य करते हैं, क्योंकि गुरु जो है कुंडली के सारे दोषों को दूर करने का ही प्रयास करते हैं। साथ साथ गुरु भी 20 डिग्री 12 मिनट पर हैं, तो ये भी अपना जो है मतलब क्योंकि जो है ये भी अपना अच्छा रिजल्ट जो है देने वाले हैं यहाँ पर बैठकर। अब हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर जो है आपका कुंडली में जो है ये देखिए ट्वेल्थ हाउस में राहु है, देखिए ट्वेल्थ हाउस का जो राहु होता है वो व्यक्ति को जो है जेल तक भी पहुँचा देता है और मुकदमा वगैरह कोर्ट केस वगैरह, वो मैंने इनके पाम से भी देखा था,
मैंने इनसे पूछा था, अभी तक तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जो है अभी राहु जो है, देखिए यहाँ पे राहु जो है इस समय यहाँ पर है आपका जो है कुंडली में, और वो मैंने देखिए मेष लगन से संबंधित मैंने ईयरली प्रेडिक्शन बताई थी। वैसे भी ये जो समय चल रहा है उस समय आपका परिवार में वाद विवाद वगैरह जो है महिला होती तो ज़्यादा होता, लेकिन पुरुष है तो फिर भी कम होगा, लेकिन होगा जो है ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बना देते हैं। उससे संबंधित वैसे कंप्लीट वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें पता लग जाएगा आपका जो है। और यहाँ पर देखिए कोर्ट केस जो है ये वाला जो है अभी राहु यहाँ पर है, और जब राहु यहाँ पर आएगा तो ये प्रॉब्लम में आपको डालेगा ही डालेगा। तो ये वाला टाइम वो मैं आपको बैड टाइम में बता दूंगा कौन कौन से टाइम आपके लिए बैड हैं और कौन से अच्छे टाइम हैं। तो ये देखिए कोर्ट केसेस रिलेटेड राहु जो है यहाँ पर आकर व्यक्ति को जेल करा देता है या व्यक्ति को, और यहाँ पर अकेलापन जो है, देखिए अकेलापन का जो है हम यही बताएंगे आपको जो है कि यहाँ पर, क्योंकि ये फोर्थ हाउस का जो लोड है वो भी आपका जो है ट्वेल्थ हाउस में जा रहा है, व्यक्ति के साथ अकेलापन वाली स्थिति जो है इस कारण से आएगी जो है। लेकिन अभी जो है कुछ समय तक जो है मैं आपको बता दूंगा टाइमिंग, क्या क्या टाइमिंग आपके लिए पॉजिटिव टाइम है, क्या नेगेटिव टाइम है, वो सारी स्थिति मैं आपको बता दूंगा जो है। अब यहाँ पर देखिए कोर्ट केस से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, अब इसमें आपको जो है उपाय मैं बताता रहूंगा, देखिए समस्या आएंगे आप उससे निकल जाएंगे इतना हम कर सकते हैं, और तो जो है जो ग्रह स्थिति है वही बता देंगे। और देखिए हम जो है अच्छा अच्छा सब सारा अच्छा अच्छा बता दें ऐसा भी नहीं, जो है ही बताएंगे, चाहे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव बताएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें अच्छी भी हैं तो अच्छी को अच्छा ही बताएंगे, और अगर बुराई है तो बुराई बताएंगे। फिर हमारा फायदा क्या होगा आपकी कुंडली का विश्लेषण करने का, क्योंकि हम एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, हम एक अगर आपको हम एक सलाहकार हैं जो एक आपको अच्छी सलाह देने का प्रयास करने वाले हैं। अब देखें यहाँ पर जो है अवैध संबंध से संबंधित बात बताएं, आप देखिए मैरिड लाइफ अच्छी कैसे होगी आपको, अगर इस तरीके की जो मैंने बात बताई अवैध संबंध से संबंधित जो है इनको अगर आप कंट्रोल करके जो है अपने आप को अपने आप में सुदृढ़ रखो, और साथ साथ जो है कुछ उपाय वगैरह बता देते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक संबंध जो है सही होने के चांसेस बन जाएंगे। ये संबंध तब भी सही होने के चांसेस बनेंगे, अभी शुक्र की महादशा जो है का फल आपको इस वाले हाउस का मिल रहा है, जब इस वाले हाउस का फल मिलने लगेगा तो हो सकता है उस समय में आपके जो है जीवन में ये वाली जो बातें हमने बताई सुधार आ जाए। और इस वैसे इस समय में जो है एक मालवीय योग का आपको फल मिलेगा इस समय में पूर्ण रूप से जो है, तो इस समय में आकर्षण जो है आपका अट्रैक्शन पावर जो है ये सब चीज़ें जो है ये बढ़ोतरी होगी, ये सब बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अपना व्यक्तित्व कमजोर बना दिया, चारित्रिक रूप से आपको कमजोर बना दिया, तो फिर वैवाहिक जीवन में फिर से समस्या उत्पन्न होगी। अदरवाइज जो है अगर आप उसको कंट्रोल में रखते हैं तो वैवाहिक जीवन में समस्या जो है खत्म होना शुरू हो जाएंगी आपके जीवन की। और वैसे भी 40 साल मैंने बात कहा था ना, 40 साल के बाद जो है 40-42 साल के बाद जो है फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर समस्या आपको कम होने शुरू हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा अपने आपको जो है मजबूत बनाना है, ये सब चीजें करनी है आपको। अब ये हमने जो है देखिए शनिदेव की अगर हम बात करें, देखिए शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं तो अष्टम भाव आयु का भाव है, तो आयुष्य की वृद्धि करेंगे करेंगे जो है। अब ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति के जो है अंतिम समय होता है। अब अंतिम समय में ये व्यक्ति के जो प्राण होते हैं कुछ व्यक्ति होते हैं एकदम अटैक से मर जाते हैं, वैसी स्थिति आ जाती है कुछ भी, मतलब तुरंत एकदम प्राण निकल जाते हैं। यहाँ पर प्राण जो है व्यक्ति को खींच के निकलते हैं, मतलब जो है ये नहीं आसानी से नहीं निकलते, हो सकता है व्यक्ति 6 महीने बेड पर रहे ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाते हैं, या फिर जो है 2-3 दिन तक वो मतलब जैसे अगर की प्रॉब्लम ऐसी बन गई तो 2-3 दिन तक उसके प्राण अटके रहे, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है। ये शनिदेव अष्टम भाव में होता है, दीर्घायु प्रदान कर देते हैं व्यक्ति को जो है। अब शनिदेव यहां पर बैठकर देखिए आयु तो प्रदान करेंगे, अगर रोग की बात करें तो हो सकता है देखिए आपको जो है क्योंकि राहु चंद्र के कारण जो है आपको जो है मानसिक तनाव अच्छे वाला जो है मानसिक तनाव जो है वैसी स्थिति आपके साथ बन रही है। अब ये मानसिक तनाव जो है ये वाला तनाव मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत लंबे समय तक आपको फेस करना पड़ेगा, तो हो सकता है अब ये भी एक तरीके का जो है एंजाइटी एक रोग ही है आपका जो है, ये भी एक बीमारी है, डिप्रेशन टाइप की जो है ये एक बीमारी ही तो है। अब ये क्या होगा, ये भी क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठकर क्या होता है दीर्घकालिक रोग प्रदान करते हैं, तो ये प्रदान कर देंगे। क्योंकि मुझे फिजिकली अगर मैं बात करूँ तो मुझे वहाँ पे मजबूती दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ये नहीं कि मतलब फिजिकल रूप से व्यक्ति बेकार है ये वाली स्थिति नहीं। क्योंकि देखिए मंगल जो है आपका मंगल उच्च राशि में भी है और साथ साथ मंगल की दृष्टि भी लगन पर है, वैसे भी मेष लगन के जातक तो स्ट्रॉन्ग होते हैं मजबूत होते हैं ये वाली स्थिति रहती है। लेकिन क्या है आपको जो प्रॉब्लम का सामना जो करना पड़ेगा, एक रोग का जो सामना करना पड़ेगा, वो एंजाइटी वगैरह चिंता वगैरह मानसिक तनाव निराशा स्थिति ये वाली जो स्थिति है उनका सामना करना पड़ेगा आपका। तो यहां पर और शनिदेव यहां पर बैठकर एक और आपको फायदा दे सकते हैं, देखिए फायदा लेने वाला होना चाहिए। अब जो है आपने यहां पर करवाया तो यहां पर देखिए फायदा कौन कौन सा ले सकते हैं। अब यहां पर बैठे शनिदेव आपको गुप्त विद्याओं में एक महारत हासिल करा सकते हैं, गुप्त विद्या जो होती है आपकी, जैसे ये भी विद्या गुप्त विद्या, इनका भी आपको कहीं ना कहीं काफी ज्ञान होगा, तो ये भी आपको जो है शनिदेव के द्वारा जो है फायदा देने वाले हैं। यहां पर व्यक्ति अगर अपनी थर्ड आइस पर अगर काम करे तो व्यक्ति की जो है वो भी अपनी
कंपनी जो है खोलने का काम कर सकता है, मतलब खोल सकता है जो है, इतना उसके अंदर जो है कैपेसिटी होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए मेहनती व्यक्ति पूर्ण रूप से मेहनती है, वो कितना भी काम कर सकता है एक दिन में जो है, इतना उसके अंदर जो है पावर है, इतना उसके अंदर स्टेमिना है। लेकिन क्या होगा अगर वो काम अपने उस वाले फील्ड में करे जिसमें अब यहाँ पर क्या है उसको लाभ लग सकता है, अब यहाँ पर बैठे शनिदेव जो है उसकी जो है दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं अगर वो काम करे, तो यहाँ पर इसको इन सब चीज़ों से भी फायदा मिलने वाला है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर दिव्य दृष्टि की भी बात करी, साथ साथ इनकी जो अगर मैं काम की बात करूँ तो माइंड लाइन जो है चंद्र पर जा रही है। देखिए ये व्यक्ति को जो है, क्योंकि राहु और चंद्र का योग, ये व्यक्ति को अगर इन्होंने अपने आप को सुधारना नहीं प्रयास किया तो व्यक्ति को ये पागल जैसी स्थिति व्यक्ति के अंदर जो है डाल देता है। देखिए मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा डिप्रेशन या पागल क्रिएट कर देता है व्यक्ति को जो है। तो उपाय बताऊँगा, उपाय करना आपको जो है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये चंद्र, मैंने बताया कि आपकी जो माइंड लाइन है चंद्र पर जा रही है, ये व्यक्ति को एक अत्यंत कल्पनाशील भी बना देती है। अब कल्पना होना तो बात दो चीज़ें हो जाती है, कल्पना में भी जो है एक व्यक्ति जो है केवल सोचता ही रहता है कुछ ऐसी चीज़ें कि एक ही बात को सोचने लग रहा है, एक व्यक्ति होता है प्राकृतिक रूप से सोच रहा है कुछ, कवि जैसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जा रही है, लेखक जैसी व्यक्ति के साथ स्थिति बन जा रही है, तो वो सब चीज़ों में फायदा करने वाली। क्योंकि राहु जो है व्यक्ति के साथ अब यहाँ पे इल्यूजन भी क्रिएट करते हैं, व्यक्ति को भ्रमित भी करते हैं, भ्रम भी उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है अपने आप को एक अपने मनोबल को भी बढ़ाना है, अपने आत्मबल को भी बढ़ाना है, और मनोबल और आत्मबल को बढ़ाकर व्यक्ति अपने आप को जो है काफ़ी हद तक जो है ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा सा कल्पनाशील भी है, तो अगर वो व्यक्ति अपने आप को एक लेखक वाली उसमें कल्पना में बढ़ाए तो हो सकता है उसको ये फायदा कर जाए, ये भी चीज़ उसकी फायदा कर सकते हैं। देखिए फायदा लेने वाला उनसे मैंने बताया, तो यहाँ पर ये व्यक्ति अगर ये वाला काम करे तो व्यक्ति जो है फायदा ले सकता है इसका जो है। मैंने एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका टाइम देगा कि 35 to 38 की एज में जो है 35 से 38 साल की उम्र में कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो है इस तरीके की स्थिति बनेगी आपके लेने की जो है, और ले सकते हैं। लेकिन आपके जो है कुछ एक लंबी उम्र, मतलब एक उम्र तक जो है ये है कि आप कुछ भी काम करोगे तो ये है कि 4 कदम आगे जाओगे तो आपको कोई पीछे खींचने वाला, इस तरीके की स्थिति। ये सब आपके जो है यहाँ पे शनिदेव कर्म स्थान में बैठकर कर्म स्थान में उतार चढ़ाव, साथ साथ धन भाव पर दृष्टि करके धन को भी जो है संचित नहीं होने देते। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो है, क्योंकि ये आपकी लेफ्ट आई होती है और यहाँ पर बैठे राहु जो है, यहाँ पर जो है आपको कहीं ना कहीं आपको बाई आँख से जो है लेफ्ट आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको जो है, उसमें उसका नंबर जो है ज़्यादा हो सकता है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ देखी जा सकती है। अब देखिए मैं आपको कुछ टाइमिंग बताने वाला हूँ, और आपने कुछ प्रोफेशन भी पूछे थे कि भाई मेरे को जो है कौन सा काम जो है ज़्यादा सुटेबल रहेगा। देखिए यहाँ पर आपका जो 10th हाउस का लोड है वो शनि के नक्षत्र में, तो वो जो आप ऑयल का काम करो वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर देखिए मंगल उच्च के हो रहे हैं, और यहाँ पर मंगल उच्च के होकर जो है, और वैसे भी इनका जो है आपस में परिवर्तन भी हो रहा है, तो अगर आप भूमि भवन से संबंधित जो है अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इस तरीके का वर्क करते हैं तो यहाँ पर भी आपको, वैसे भी आपका मेष लगन है तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर वर्क करते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क करते हो, या फिर जैसे अगर शनि मतलब उसमें सीमेंट वगैरह से भी करते हो, शनि से संबंधित उपाय मतलब वर्क हैं, अगर ये सब चीज़ें करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है उसमें भी फायदा लगेगा अगर ये वाला काम करते हो तो। और इससे रिलेटेड मंगल से संबंधित और भी बहुत सारे काम होते हैं, आप अगर उनको काम को करते हो तो आपको फायदा लग सकता है। अब देखिए यहां पर मैंने एक टाइमिंग बताई है, वेरी बैड टाइम जो है आपका 9 सितंबर 2009 से 14 नवंबर 2011 तक का जो समय था, ये आपका वेरी बैड टाइम था, क्योंकि शनिदेव इस समय जो है आपके यहां पर कन्या राशि में थे 6th हाउस में से, और यहां से बैठकर देखिए सूर्य के ऊपर से पास हो रहे थे, और यहां से बैठकर शनिदेव ने आपके अपनी दृष्टि जो है चंद्र पर भी डाल रखी थी, तो यह स्थिति व्यक्ति के साथ जो है बड़ा मानसिक तनाव का, क्योंकि देखिए मानसिक तनाव तो कह ही रहा हूं तो ये पूरी लाइफ मतलब काफी हद तक लाइफ में है, और एक टाइम के बाद आराम लग जाएगा वो मैं आपको बता ही रहा हूं, 40-42-45 के आसपास से जो है आराम लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी जो है मतलब मुश्किल ही है अभी, काफी जो है टाइम है। आप देखिए ये वाला टाइम आपका जो है बैड टाइम रहा है, उसके बाद मैं बता रहा हूं शनि की 7.5 चालू है, वो है 28 अप्रैल 2022 से 8 अगस्त 2029 तक जो है, 28 अप्रैल 2022 से 8 अगस्त 2029 ये टाइम जो है आपका 7.5 साल का टाइम शनि की 7.5 चालू हो जाएगी, शनिदेव यहां पर आ जाएंगे और 7.5 चालू हो जाएगी। इसमें जो सबसे बुरा समय रहेगा वो वेरी बैड टाइम कहूंगा मैं, और ये टाइम जो 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक का टाइम। देखिए वेरी बैड टाइम मैं इसलिए बताता हूं, देखिए उसके बाद जो है मैंने ऐसा नहीं कि मतलब पॉजिटिव टाइम कुछ बताता हूं, लेकिन उसके बाद वैसे तो ईयरली प्रेडिक्शन में आपको बहुत कुछ पता लगता रहेगा जो है, अब जो है ईयरली प्रेडिक्शन आती रहेगी, लेकिन उसके बाद जैसे जो समय रह गया वो पॉजिटिव टाइम भी हो सकता है, और उसमें जो है आप जो नेगेटिव टाइम है इसलिए बताया जाता है क्योंकि बुरा समय व्यक्ति को पता लग जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, उस समय वो अपने उपाय भी कर सकता है, तो ये सब चीजों का अपने आपको जो है एक तरीके से मजबूत बना सकता है जो है, ये सारी स्थिति रहेगी। अब देखिए ये वाला टाइम जो है, क्योंकि इस वाले टाइम में जो है चंद्र के ऊपर से यहां पर जो है 12th हाउस में आ जाएंगे, तो शनिदेव व्यक्ति अकेलापन भी अकेला पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति के साथ हो जाती है व्यक्ति के साथ साथ व्यक्ति का जो है मतलब बहुत सारे मानसिक तनाव से व्यक्ति जो है जूझ जाएगा, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। और उसके बाद एक टाइम मैं आपको बताता हूं बैड टाइम, 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक का टाइम जो है ये वाला टाइम है, वो राहु 12th हाउस से पास होएगा।
अब ये टाइम और ये वाला टाइम, ये जो दोनों टाइम है, अब यहाँ पर जो मैं कोर्ट केस से रिलेटेड, ये मेरे हिसाब से जो है फाइन फुल एंड फाइनल होगा तो है ही, ये मेरे को लग रहा है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैंने पाम से भी चेक करा और इसमें भी चेक करा, तो कहीं ना कहीं कोर्ट केस में व्यक्ति फंस सकता है। तो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाए रखो जो है। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है कोर्ट केस से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी तरीके का डिस्प्यूट हो जाना, जो ये वाला मैंने टाइम बताया 30 अक्टूबर 2023 से वाला जो है यहाँ से, तो किसी तरीके का डिस्प्यूट हो जाना, कोई बड़ा खर्च हो जाना, इस टाइम में कोई व्यक्ति इलीगल काम ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम में व्यक्ति पड़ सकता है जो है। साथ साथ ये वाला टाइम आपकी माता को कष्ट जो है किसी भी तरीके का जो है, मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या मदर को जो है प्रॉब्लम जो है होगी इस वाले टाइम में जो है। फिर एक टाइम मैं आपको बताता हूँ हेल्थ इश्यू से रिलेटेड टाइम है, देखिए 6 जून 2011 से 23 दिसंबर 2012 तक का टाइम, ये राहु आपके 8th हाउस से पास होएगा, तो ये वाला टाइम आपके लिए जो है जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। देखिए और मेजर पॉजिटिव चेंज इन योर प्रोफेशन, ये मैंने देखा है 8 अगस्त 2029 से 16 अप्रैल 2030, ये वाला टाइम जो है 2.5 साल का टाइम है, इस टाइम में आपको मेजर पॉजिटिव चेंज हो सकता है आपके प्रोफेशन में और आपके कार्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे आपकी 7.5 साल भी खत्म हो जाएगी जो है, और आपका जो है मतलब यहाँ पे ये वाला टाइम आपके लिए जो है अच्छा रहेगा, पॉजिटिव टाइम रहेगा, मेजर पॉजिटिव चेंज आएगा इस वाले टाइम में जो है आपके जीवन काल में। और मैंने पाम से भी चेक करा था कि एक काम शुरू होगा और वो जो है 55 के आसपास तक की उम्र तक जो है आपका चलने वाला है, 55-60 तक जो है ये वाली स्थिति रहेगी। साथ साथ 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक का टाइम जो है ये आपके गुरु 12th हाउस में पास होंगे, यहाँ पर आपके जो है फादर से रिलेटेड आपको जो है कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए महादशा मैंने आपको बताई थी कि शुक्र की महादशा 24 नवंबर 2013 से 24 नवंबर 2033 तक 20 साल की महादशा होती है, 10 साल यहाँ का फल मिलेगा, 10 साल यहाँ, और टोटल 20 साल में भी दोनों भाव के फल साथ साथ चलते हैं, जो मेनली 10 साल यहाँ का फल मिलेगा, 10 साल यहाँ का फल मिलेगा। अब इन फलों में कमी क्यों आ रही है, देखिए फलों में कमी आ जाती है, एक तो मानसिक तनाव तो मैं आपको बता ही रहा, साथ साथ शनि की दृष्टि का पड़ना जो है, कुंडली में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, अब ग्रह हो जाते हैं, साथ साथ नक्षत्र भी हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें, महादशा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। और साथ साथ देखिए 24 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2022 तक का जो समय है, ये थोड़ा उस समय अट्रैक्शन आपके अंदर जो है, आकर्षण जो होता है व्यक्ति के अंदर, वासना वगैरह जो होती है वो ज़्यादा होगी, तो उस समय आपको केयरफुल रहना है। और साथ साथ व्यापार की अगर हम बात करें, क्योंकि ये व्यापार सप्तम भाव, ये मालवीय योग का फल मिलेगा आपको 24 नवंबर 2023 से 24 नवंबर 2033 तक का समय जो है, ये 10 साल इसका फल मिलेगा, इस समय में आपको, इसी समय में आपको व्यापार से रिलेटेड आपको फायदा हो जाएगा, आपका जो है मतलब जो आपको जो मालवीय योग से संबंधित आपको जो है फायदे होने चाहिए वो भी होने शुरू हो जाएंगे, ये सब चीज़ें हो जाएगी। साथ साथ अगर आप स्पाउस से बात अगर हम करते हैं तो उससे भी आपको जो है फायदा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है स्पाउस से रिलेटेड जो हमने बात कही है उसके लिए आपको अपने चरित्र को मजबूत बनाना होगा। कुल मिलाकर देखिए कुंडली में जो है देखिए दोष ढूंढने के लिए बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन आपको देखिए है आपके साथ, वैसे भी आपका नाम में भी चिंतन मैंने आपको बताया था और वहाँ पे चिंता जो है इसमें प्रॉपर दिखाई दे रही है जो है, तो यहाँ पर आपको उपाय से ही अपने आप को जो है मजबूत बनाना होगा। मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन बहुत अच्छा उपाय है इस वाली कुंडली से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, मेडिटेशन, शिव आराधना, और भी मैं उपाय आपको बताऊँगा व्हाट्सएप पर आपको दे दूंगा जो है, और आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई पार्ट इसमें बहुत अच्छा लगोगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।